अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुलेखा अरफ़ात, ज़ुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी, अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मजे में। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना ग्रेवी। बहुत ही मजेदार लज्जतदार बनती है, झटपट घर के हाजिर मसालों से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए शुरू करते हैं। ये है 800 ग्राम चिकन। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज्यादा स्वाद अनुसार कर सकते हैं मिर्चों के पाउडर को, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करने। आप चाहे तो ढक कर साइड पर रख दें या फ्रिज में रख दीजिएगा। चलिए ड्राई मसाला बना लेते हैं। कढ़ाई के अंदर 3 टीस्पून धनिया डाल दीजिए साबुत वाला, एक छोटा चाय का चम्मच सौंफ, एक छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत, आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा साबुत जीरा, 6 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। मीडियम आंच कर दीजिए और 1.5-2 मिनट तक ही इसे बार बार चलाते हुए इसे थोड़ा भून लीजिए। जब 1.5 मिनट हो जाए, हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ भून लें 1.5 मिनट, तो इसको चूल्हा बंद करके इसे साइड पर एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब वही सेम कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए, थोड़ा तेल डाल दीजिए, मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हा और उसमें ये जो चिकन मैरिनेट करी हुई है सारी डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते रहें और इसे फ्राई करें तकरीबन 8-9 मिनट तक। मीडियम आंच पर इसे आपने फ्राई करना है। ये जो हमने थोड़े मसाले भुने थे, ये देखिए मैंने बिना पानी डालकर इसे पीस कर पाउडर बनाकर इसे साइड पर रखा है जब ठंडा हो गया। तो चलिए तकरीबन 8-9 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये कढ़ाई को ही हटा देती हूँ और चूल्हा बंद कर देती हूँ और यहाँ दूसरी कढ़ाई रख देती हूँ। इस कढ़ाई का भी चूल्हा चालू कर दीजिए, तेल डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 2 तेज पत्ता और 2-3 साबुत लाल सूखी मिर्च। ये सारी चीज़ें तड़तड़ा जाए तो प्याज, मीडियम साइज प्याज छूंदा कर कर इसे डाल दीजिए। चूल्हा चाहे तो मीडियम रखें या फिर फास्ट भी रख सकते हैं और इसे बार बार चलाते रहें। और प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज है ना लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, बस पिंक होए तक ही हमें ये प्याज को फ्राई करना है। ज़रा तेल मुझे कम लग रहा है तो वो जो चिकन जिसमें हमने फ्राई की थी उसका तेल जो डाला हुआ है वो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा बचा हुआ, और इसमें डालकर मिक्स कर लेती हूँ तो ये तेल भी यूटिलाइज हो जाएगा ना। प्याज पिंकिश हो जाए तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये जो प्याज है हमारी लाल ना हो जाए, और मैंने हल्का सा चूल्हा और स्लो कर दिया। चलिए आप चाहे तो मीडियम पर भी रख सकते हैं और भून लीजिए। जब भून जाए अदरक लहसुन का पेस्ट तो 3 मीडियम साइज के टमाटरों की छील निकालकर बारीक काट कर मैं इसे डाल देती हूँ। चूल्हा मीडियम कर दीजिए अगर अभी नहीं रखा है तो, मीडियम पर ये टमाटरों को भूनिए तकरीबन 3-4 मिनट तक, हमें मीडियम आंच पर भूनना है। उसी समय मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने कम रखा है क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और 3-4 मिनट तक टमाटर अच्छे नम हो जाए वहाँ तक इसे भून लीजिए। 3-4 मिनट हो गई, टमाटर अच्छे भुना गए, आप देख सकते हैं मशी हो गए हैं और तेल छूटने लगा है। तो ये जो चिकन है वो सारी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और वो जो कढ़ाई या तवे के अंदर जो भी तेल वगैरह मसाला था वो भी सारा डाल दीजिए। चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक मसाले में ये चिकन को भूनिए। मेरी पतीली नॉनस्टिक नहीं है तो मैं स्लो मीडियम करे जा रही हूँ। टमाटर के टाइम पे भी मैंने यही किया था। आपकी भी मेरी तरह पतीली एकदम थोड़ा नीचे लगने वाली हो तो आप स्लो मीडियम ही कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर मैंने वो जो मसाला हमने बना के रखा था ड्राई वाला वो भी डालकर इसे भी 1/2-1 मिनट तक भूनिए। अब यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल स्लो पर ही रखा है कि मसाला चिपके ना। अब यहाँ पर जब 1 मिनट हो जाता है तो ये आधी कप दही है, गाढ़ी दही है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। मेक श्योर खट्टी ना हो, प्लेन दही हो, तो वो भी डालकर इसे मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए अगर स्लो पे रखा हो तो, और इसे बार बार चलाते रहें और तकरीबन 3-3.5 मिनट तक ये दही को भी डालकर भून लीजिए। जब 3-3.5 मिनट हो जाते हैं तो 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एक बार।
चलिए अब 3/4 कप या 1 कप पानी डाल दीजिए। मैंने 1 कप डाला क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। आपको कम चाहिए, आप आधा कप डालें या 3/4 कप पानी डालें। जब आप पानी डाल लें, एक बार चला लीजिए, चूल्हा मीडियम कर दीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है, चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढाक कर इसे तकरीबन तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। मैं तकरीबन समझिए ना 20 मिनट तक पका रही हूँ, क्योंकि पहले भी चिकन पकी हुई है तो उस हिसाब से पूरी तरीके से चिकन पक जाएगी। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया सी चिकन दिखने से ही लग रही है, गल चुकी है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा लग रही है, बाय मिस्टेक ज़्यादा हो गया है पानी, तो कोई बात नहीं, मीडियम आंच करके सुखा लीजिए। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डालें, एक बार चला रहे हैं, उसके ऊपर फिर से एक बार कोथमीर डाल दें, इसका मतलब है हरा धनिया डाल दें बारीक कटा हुआ, चूल्हा कर दीजिए बंद। और ये रेडी हो गई हमारी चिकन भूना, बढ़िया सी मज़ेदार सी गर्मा गर्म ईजी और लज्जतदार। तो चलिए अब हम चख लेते हैं, चिकन तो हो चुकी है, चिकन हो चुकी है तो मैं चिकन को टेस्ट नहीं करती, बस मैं मसाला टेस्ट करती हूँ, क्योंकि चिकन भुना मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार है, बढ़िया, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं इसे गर्मा गर्म निकालती हूँ, रोटी पराठा फुलका के साथ किसी के भी साथ आप सर्व कीजिए, मैं रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है ना, तो एक लाइक मार दीजिए इस रेसिपी को, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।